ओ भाई, इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको इस तरह के एक्शन देखने को मिलने वाले हैं जहां पर अगर आप लॉजिक लगाने की कोशिश भी करोगे ना तो सारी लॉजिकल चीजों की अच्छे से बैंड बजाई गई है। और साउथ की फिल्मों में तो दोस्तों आपको पता ही है कि एक्शन किस तरह के होते हैं, लेकिन कुछ भी है मजा जरूर आता है। स्कंडर द अटैकर दोस्तों ये एक एक्शन ड्रामा रोमांटिक मूवी होने वाली है जो कि लगभग 2.5 घंटे की है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन मूवी रेट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक स्टेट का सीएम है और उस सीएम की लड़की की शादी हो रही है, और शादी जैसे ही होने जा रही होती है तो वहां पर एक लड़का तूफान बन के आता है और उस लड़की को उड़ा के ले जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है और आखिर उसको किसने उठाया है और आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएगी, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, इस मूवी के अंदर जो राम पोदनेनी ने काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। उनकी जो परफॉर्मेंस है आप उससे कनेक्ट हो जाओगे और काफी अच्छे दमदार एक्शन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको बिल्कुल भी मूवी से हटने नहीं देंगे। और मूवी का एक्शन इतना जोरदार होने वाला है भाई साहब, अगर आप एक मास ऑडियंस हो और आपको दमदार एक्शन देखना पसंद है तो आप दोस्तों इस मूवी की तरफ जा सकते हो। ये मूवी आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगी। बट हाँ, इस मूवी के अंदर कोई भी लॉजिक लगाने की कोशिश मत करना क्योंकि कोई भी लॉजिक काम नहीं आएगा। बाकी इस मूवी के अंदर एक ऐसा खतरनाक ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि लगभग पूरी मूवी के अंदर आपसे छुपाया जाएगा, लेकिन लास्ट के 30 मिनट्स में वो चीज रिवील भी होती है और उस ट्विस्ट को देखने के बाद दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। और धीरे धीरे जब मूवी की एंडिंग होती है तो उससे ये भी पता चलता है कि इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी जरूर आएगा। दोस्तों ये मूवी शुरू से लेके एंड तक आपको कनेक्ट करके रखने वाली है और बीच बीच में आपको एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, और एक जो ड्रामा क्रिएट किया गया है रिवेंज को लेकर उसमें भी आपको मजा आएगा। और मूवी का स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है और जितने भी करेक्टर्स आपको नजर आने वाले हैं बाकी के, उनकी भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।